हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप ऐप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाते हैं। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ऐप में क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर साइड में राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा है थ्री डॉट, इस थ्री डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद आ रहा है सेटिंग, आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे सेटिंग, इस सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट सेटिंग, अकाउंट, इस अकाउंट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है प्राइवेसी, इस प्राइवेसी में क्लिक करना है। प्राइवेसी क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल करके सबसे नीचे दिखाई दे रहा है फिंगरप्रिंट लॉक, इस फिंगरप्रिंट लॉक में क्लिक करें। उसके बाद दिखाई दे रहा है अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, जो आपको डिसेबल किया हुआ है इसे इनेबल करना पड़ेगा। चलिए कर देता हूँ मैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कन्फर्म फिंगरप्रिंट, आपका जो फिंगरप्रिंट जो भी उंगली लगा हुआ फिंगरप्रिंट में उस उंगली को आपका सेंसर बोर्ड में लगाइए, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, लगा दिया मैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑटोमेटिक लॉक के नीचे, तो आपको इमिडिएटली लगाना है, जैसे कि आप व्हाट्सएप से बाहर चला गया, व्हाट्सएप का कार्ड काटने के बाद जब भी क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक इमिडिएटली लगना चाहिए लॉक, या जैसे दूसरे नंबर में लिखा हो एक मिनट बाद। अगर एक मिनट पहले आप क्लिक करते हैं व्हाट्सएप में तो लॉक नहीं लगेगा, और एक मिनट के बाद अगर क्लिक करते हैं तो लॉक लगना चाहिए। उसके बाद भी 30 मिनट बाद तो मैं लगाना चाहिए इमिडिएटली, यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। चलिए क्लिक कर दिया, चलिए देखते हैं लॉक लगाया नहीं। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ और क्लिक करते हैं व्हाट्सएप। चलिए देखिए आ गया व्हाट्सएप लॉक, से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फिंगर, देखिए हो गया। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी शेयर कर दीजिए।